हम भी चाहते हैं इस चीज को कि उंगली टेढ़ी करे भी नहीं, मतलब जो है काम हो जाए, लेकिन बिना टेढ़ी उंगली के काम चलेगा नहीं। रोजों के बाद में हजारों की तादाद में FIR दर्ज होंगी और हम लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद चाहे हमें SP ऑफिस या IG ऑफिस पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल देनी पड़े, चाहे SDM कार्यालय बैठना पड़े, SDM ने आश्वासन ये दिया है कि जो ज्ञापन हमने जो दिया है वो ये दिया है कि सैकुल को जो सबसे बड़ा बहाना मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे ही हम घर आएंगे और किसी के पैसे लौटाएंगे तो हमें पुलिस उठा लेती है। पुलिस उठाने का बहाना सबसे बड़ा ढूंढ रखता है। हमने SDM साहब से ये निवेदन करिए कि साहब पुलिस प्रशासन से अवगत कराओ आपके माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ताकि पुलिस इसमें थोड़ा गैप दे सके और 2-5-10 दिन के लिए सैकुल को घर आने से ना रोके, ना गिरफ्तार करे, ताकि सैकुल अपने घर आए और घर आने के बाद में वो सभी के मजलूम और गरीबों के पैसे को वापस तकसीम कर सके। अच्छा, कुछ लोगों का वही कहना यह है कि अगर हम ज्ञापन देंगे तो हमारा पैसा मर जाएगा, सैकुल आएगा नहीं, इस तरह से। देखो, हम भी चाहते हैं इस चीज़ को कि उंगली टेढ़ी करे भी नहीं, मतलब जो है काम हो जाए, लेकिन बिना टेढ़ी उंगली के काम चलेगा नहीं। ज्ञापन ही ज्ञापन पे चल रहा है मामला, रोजों के बाद में हजारों की तादाद में FIR दर्ज होंगी और हम लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद चाहे हमें SP ऑफिस या IG ऑफिस पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल देनी पड़े, चाहे SDM कार्यालय बैठना पड़े, वो हम जगह चिन्हित कर लेंगे। जब तक सख्त कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ नहीं होगी और गरीब और मजलूमों का पैसा वापस तकसीम नहीं होगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे और इन पैसों को, इन दरिंदों को, इन अपराधियों को, इन षड्यंत्रबाजों को, इनके सलाहकार नेताओं को और जिनके घमंड में जिनकी प्रक्रिया, जिन लोगों ने ये चैन जोड़ी थी, पूरी की पूरी चैन को छोड़ कर रहेंगे और पैसों को गरीबों को दिला के रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े। अच्छा, जैसे कि आपने लोगों के लिए आश्वासन दिया था कि हम भाई इस तरह से ज्ञापन देंगे कि पुलिस प्रशासन उनको आने के यहाँ इजाज़त दे, वो आकर यहाँ लोगों का सामान या पैसा दिलाए, तो लगता है आपको पुलिस प्रशासन इस तरह से आपकी इजाज़त आपका रहनुमा नहीं? देखो, ऐसा है, ये जो सैकुल और क्या नाम यहाँ और ये सब जो अपराधी हैं, ठग, इन ठगों की जो प्रक्रिया चल रही है, इनका IO हमारे CO साहब हैं डीग, और डीग CO साहब से हम संपर्क करेंगे, सोमवार को करें या मंगलवार को करें, और उनसे बात करके, और अब या तो ये लोग कवर हो जाए, इनके पैसा वापस लौटा दें, वरना हम बड़ी कार्रवाई करवाएंगे, चाहे किसी भी हद से जमा। अच्छा, तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी लोग थे यहाँ जिनके पैसे जमा थे, लेकिन आप घर से घर से कुछ लोग, तो आपको लगता है कि वापस? रमजान का महीना है, रोजे में हम भी परेशान हैं, सुबह से ही हमारे पास भी बोला भी नहीं जा रहा है, और सुबह से एक पाँव खड़े हैं धूप में, और वो लोग भी परेशान थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं साथ में थी, काफ़ी दूर दराज के लोग थे, दौसा से लेकर, तिजारा से लेकर, कपूपड़ा से लेकर, नुहू से लेकर, फरीदाबाद से लेकर, UP से लेकर, रेवात के चारों तरफ से लोगों को ठगा गया है। उसमें एक ही कौम के लोग नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति बिरादियों के लोगों को एक सराडे से इन लोगों ने मतलब जो है शिकार बनाया है, और इसमें बहुत ही निहाल गरीब लोग हैं, उन लोगों का पैसा इनके पास जमा नहीं हो पाएगा, और ये इन्होंने बहुत ही गलत कृत्य किया है। अगर इस पिलानी से इन लोगों ने इसको थोड़ी अंतर को अंजाम दिया है, ये ठीक नहीं पड़ेगा। अच्छा, सरपंच साहब जब नीमल वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नई अर्जी लगेंगे तो हम सामान दिलाएंगे। नई अर्जी ना लगा रहा, एक रुपया की भी जूत और पड़ेंगे 50। नई अर्जी तुम्हारा बाप को भी ना लगाए, जली लोग और हराम खोरों, तुम नई अर्जी की बात करते हो, हमें पढ़ा रहे हो, पढ़े लिखे आदमी हो, बेवकूफ समझते हो क्या? नई अर्जी क्या होता है? नई अर्जी ये बहुत हो गया, बस वही लौटा दो, ईमानदार हो तुम। अगर तुम ईमानदार हो ना, तुम वो लौटा के दिखा, फिर नई अर्जी लगवाएंगे तुम्हारे लिए। अगर देखा जाए तो नई मिला जो मामला है, ऐसे में आप जनता से क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं यही कहूँगा जनता से, ये अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाए हैं,
और ये बहुत ही एक माइंड सेट करके इन लोगों ने अपने घर से पहले एक दो राउंड शादियां करा करके एक विश्वास जमा करके जनता पर और जनता के गरीबों को छलने के लिए इन्होंने प्री प्लानिंग की थी। ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसे लालचों में मत आएं, ऐसे स्वार्थों में बिल्कुल ना आएं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए कैसे कैसे करके दो पैसे कमाते हो, कहाँ मजदूरी करिए। एक लेडीज का फोन आ रहा था मेरे पास गोविंदगढ़ की तरफ से, वो कह रहे थे भाई कपास बीन के लाए थे पैसा कमा के, बाकी का खेत रखा है उसके पैसे हैं, और 6 साल से बेटियां दो सियाणी हैं, अब बताओ कहाँ जाएगी लेडीज, बेवा लेडीज। तो ऐसे हजारों मैटर है। मेरा लास्ट का सवाल है आपसे कि आप इस मामले को लेकर अगला कदम आपका, अगला कदम मजबूत उठाएंगे, हड़कर नहीं उठाएंगे। बहुत बड़ी जनता होगी, 10,000 अर्जियां हैं, 10,000 अर्जियों से हम बोलेंगे, 10-10 आदमी एक अर्जी वाला लेकर आएगा, 1,00,000 से ऊपर आदमी बैठेंगे। 1,00,000 आदमियों को लेकर जहाँ बैठूंगा ना, वहीं हालात गंभीर हो जाएंगे, तो देखना तो कम क्या हो, ठीक है ना, पीछे हटूंगा नहीं, ये ध्यान रखना। और भाई अर्जीन वाले हमसे पीछे हट जाएं, इसका तो मेरे पास इलाज कुछ है नहीं, मैं तो पीछे हटने वाला हूँ नहीं, पैसा 1-1 रुपया दिलवाऊंगा, 1-1 रुपया, वरना संपत्ति, जमीन, जायदाद, घर, परिवार चैन से इनका नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन इनका साथ वो इलाज करेगी जो दुनिया में किसी का नहीं हुआ, और पुलिस प्रशासन पीछे हटेगी नहीं, ये हमें भरोसा है पूरा, ठीक है।